वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM कंडक्टेड बाय आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, आज प्रॉब्लम्स को आगे करते। तो मैंने लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम किया था वो वर्टिकल सरफेस के लिए किया था, आज एक हॉरिजॉन्टल और सरफेस दैट इज की एक टैंक वाला केस लेके हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर टैंक 4 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर। तो ऐसा कोई टैंक है, ऐसे कह सकते इसको, ठीक है। ये ऐसा कोई टैंक है, ठीक है, और ये 2 मीटर तक वाटर भरा हुआ है इसमें। तो ऐसे वाटर भरा हुआ है, ये हाइट 2 मीटर है, ठीक है, और ये 1.4 मीटर लॉन्ग है, दैट इज सॉरी 4 मीटर लॉन्ग है और ये 1.5 मीटर वाइड है। तो ये इसकी टैंक की डायमेंशन हो गई और यहाँ तक वाटर भरा हुआ है इस टैंक में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्सेस ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज़ की ये एफ इजिकल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का केस आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो, तीनों केस में हमारा फोर्स कितना लगता था, ए फिजिकल टू, तो वो रो जी ए एच बार लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एच बार होगा, ठीक है, एच बार, तो वो इसका आधा होगा, ठीक है, सॉरी एच बार जो होगा वो इस प्लेट पे होगा, मतलब कि 2 मीटर इसका एच बार का लेंथ होगा। तो यहाँ पे एच बार इजिकल टू लिखेंगे गिवेन एच बार इज इक्वल टू 2 मीटर, 2.0 मीटर, ठीक है। और एरिया कितना होगा, तो एरिया 4 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर वाइड है, तो 4 × 1.5 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 करेंगे क्योंकि वाटर भरा हुआ है, और इंटू 9.81 करेंगे, ठीक है, इंटू एरिया करेंगे 6 और एच बार की वैल्यू 2 करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देखो कितना आंसर आ रहा है, तो ये आएगा ये 7720 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर, तो हम जानते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है, डेप्थ ऑफ COP इज इक्वल टू HS इज इक्वल टू होता है एच बार। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एच बार इज इक्वल टू 2.0 मीटर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे आसान केस आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस का है या फिर टैंक के अगर बेस पे अगर पूछ रहा है तो सबसे आसान केस है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। जैसे होता था हमारा कि इस पॉइंट पे प्रेशर लगता था रोजी एच, मैंने बताया था, और उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रोजी एच इंटू एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया इतना, और ये एच स्टार इज इक्वल टू एच बार होगा। एच बार क्या होगा, इज द नथिंग, एच बार इज द नथिंग बट द हाइट ऑफ वाटर, कि ये वाटर कितना दूर तक भरा वही हाइट एच बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंक्लाइन सरफेस का केस है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 1 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप लाइज इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्री सरफेस। मतलब एक प्लेट है ऐसे है, ठीक है, एक प्लेट है ऐसे है, और ये फ्री सरफेस है, ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है, ये फ्री सरफेस, उससे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो अगर इसको हम दूसरे व्यू में देखेंगे, ठीक है, तो
तो ये सरफेस ऐसा दिख रहा है, ये सरफेस ऐसा दिख रहा है जिसमें कि ये वन मीटर वाइड है एंड इट्स 3 मीटर डीप है, 3 मीटर ये डीप है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये प्लेट बीडी है, ये बीडी है, ठीक है, और ये जो हाइट है इसका अपर एज है जो प्लेट का, ये 2 मीटर पे है, 2 मीटर व्हेन इट्स अपर एज ऑफ प्लेट इज 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, तो ये 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट जी होगा जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ पे जी, और यहाँ पे पॉइंट पी होगा जहाँ पे कि सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ये होगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्स एफ ऐसे लगेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो ये हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर, मतलब ये फोर्स एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किस पे लगेगा, तो पॉइंट पी पे लगेगा, ये पी का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये एच स्टार होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एच स्टार होगा, और ये जी का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से एच बार होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस एच बार होगा। तो अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, ये 3 पॉइंट हमने सी डी ई मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा मतलब सेंटर ये एच स्टार का सॉरी एच बार जो होगा हमारा, वो दिस डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा सी जी, ठीक है। तो सी जी हमको फाइंड करना पड़ेगा, सी जी नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से 1.5 मीटर होगा, बी जी इज इक्वल टू, ठीक है, वो 1.5 मीटर कैसे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इसके डेप्थ के मिड पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डेप्थ जो इसका डेप्थ है इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, दैट इज सी जी। तो ये टोटल 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, ये एंगल आपको पता है, यहाँ 30 डिग्री है, मीन्स यहाँ भी 30 डिग्री है, ठीक है, ये भी 30 डिग्री है। अब आप यहाँ पे मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुछ साइन थीटा वगैरह कुछ लगा दे तो शायद ये वैल्यू ऑफ सी जी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन देंगे, एरिया क्या दे रखा है, तो गिवन एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया कितना 1 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप है, तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको हम चाहेंगे तो मान सकते हैं, इसको O मान लेते हैं, P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब इस पॉइंट को हम मान सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा जो ये एच बार इज इक्वल टू होगा एच बार, ठीक है, तो एच बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी क्यू आर माना है, तो क्यू सी प्लस सी जी, एच बार इज इक्वल टू क्यू सी प्लस सी जी, क्यू सी का डिस्टेंस कितना होगा मतलब लेंथ कितना होगा, तो क्यू सी इजिकल टू ये जो पी बी होगा दैट इज 2 मीटर, तो ये क्यू सी इजिकल टू 2 मीटर होगा, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 2 + CG। अब सी जी यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इजिकल टू सी जी डिवाइडेड बाई बी जी, ठीक है, मतलब लिखेंगे इन ट्रायंगल और BCG, ठीक है, इन ट्रायंगल BCG साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू CG की वैल्यू हमको नहीं पता है फाइंड करना है, और BG की वैल्यू कितना है, तो 1.5 मीटर है, तो इस वी सिंपली CG इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो 1.5 साइन 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आएगा वैल्यू 0.75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच बार इज इक्वल टू 2 + 0.75 इज इक्वल टू 2.75, तो अब हम यहाँ से एफ इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल प्रेशर, ठीक है, तो टोटल प्रेशर एफ इज इक्वल टू कितना होगा, तो रो जी ए एच बार, ये तीनों केस में होता था, तो
तो यहाँ पे हमने रो जी ए एच बार लिखा, तो रो इज इक्वल टू वाटर है तो 1000 इंटू 9.81, जी का वैल्यू, ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनली एच बार, तो एच बार वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एच बार इज 2.75 मीटर, ओके। सो यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर, दैट इज द आंसर विल बी 8093 2.5 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, मतलब कि हमें ये एच स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच स्टार इज इक्वल टू ये आर डी प्लस पी डी, ये दोनों करेंगे तो हमें एच स्टार का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्टार का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आर डी प्लस पी डी, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा कि हमको ये वैल्यू फाइंड करना होगा जी पी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एच स्टार इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला था, तो अब हमें इतना सारा जियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने कहा कि अगर ये ऐड प्लस ये ऐड जोड़ देते तो एच स्टार मिल जाएगा, बट सॉरी हमने थ्योरी पार्ट में डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज एच स्टार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई एच बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो वी विल पुट द ऑल द वैल्यूज हियर एंड विल गेट द आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जी, ठीक है। तो आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई जी इज इक्वल टू हमारा आएगा, दैट इज बी डी क्यू बाई 12 होता है, बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या इज इक्वल टू 1 मीटर है, बी इज इक्वल टू 1 मीटर है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू 3 का क्यू डिवाइडेड बाई 12, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 2.25 मीटर 4 आएगा। सो यू पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, सो एच बार इज इक्वल टू ऑलरेडी 2.75 वी हैव कैलकुलेटेड, एंड द वैल्यू ऑफ आई जी इज 2.25, द वैल्यू ऑफ ए इज 3 इंटू एच बार इज 2.75 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। सो यू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज, तो आप पाओगे 2.75 + 0.68, तो ये आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 2.818 मीटर आएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा केस था जिसमें कि सिर्फ सेंटर ऑफ प्रेशर और फोर्स निकालना था, दैट इज़ कि टोटल प्रेशर निकालना था। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पूछ देता है कि ये पी कोई फोर्स कितना हम फोर्स लगाएंगे कि अगर ये यहाँ पे हिंज हो तो इसको स्थिर रखा जाएगा, तो ये हम एक और क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हेलो हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि एक गेट है, ठीक है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये एक गेट है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है, इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है, दैट इज ये 5 मीटर है, और ये इसकी डेप्थ 1.5 मीटर है, तो ये पूरा ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब ये 5 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो विड्थ है यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है। अब कह रहा है कि
डिटरमाइन द फोर्स फोर्स नॉर्मल टू गेट अप्लाइड एट बी. यहाँ पे जो एक फोर्स हमको निकालना है पी, ठीक है, ये फोर्स कितना होगा इसको खोलने के लिए, खोलने के लिए. तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर अगर पी है और ये पॉइंट अगर जी है, तो यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा होगा, यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा होगा, ठीक है. तो ये फोर्स एफ लग रहा होगा तो डेफिनेटली ये कुछ मोमेंट लगा रहा होगा. उतना ही मोमेंट हमको यहाँ से मतलब कि ये पी इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये एफ इंटू ये डिस्टेंस, अगर दोनों इक्वेट करेंगे तो पी का वैल्यू आएगा. तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये एफ चाहिए और फिर ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है. बेसिकली हमको दो चीज़ें चाहिए, ये एफ इंटू ये डिस्टेंस दैट इज ए पी. तो सबसे पहले F निकालते हैं, F कितना होगा, तो मानते हैं ये पॉइंट G है, ठीक है. तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है. तो ये एंगल तो 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये वैल्यू आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी. तो चूंकि विड्थ 1.5 मीटर है तो इसका 0.75 मीटर होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एरिया. सबसे पहले एरिया कितना है, तो 5 मीटर इंटू 1.5 इंटू 1.5 इजिकल टू 7.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया गिवेन है, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि हमको फाइंड करना है ये एच बार, ठीक है. अगर एच बार हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है. तो एच बार फाइंड करने के लिए अगर ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ये पॉइंट हम डी मान लेते हैं, तो और इसको ओ मानते हैं, इसको पी मानते हैं, ठीक है. तो पी बी माइनस पी डी बी डी, अगर ये पूरे लेंथ में से ये बी डी घटा देंगे तो ये डी पी जो होगा वो एच बार के बराबर होगा, ठीक है. एच बार के बराबर होगा तो अब क्या करेंगे हम कि फाइंड करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले एच बार फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एच बार इज इक्वल टू, ठीक है. तो एच बार इज इक्वल टू हम करेंगे पी बी माइनस बी डी, ठीक है. तो पी बी माइनस बी डी करेंगे तो पी बी कितना होगा, 3 मीटर है, माइनस बी डी. बी डी हमको नहीं पता है, ठीक है. तो बी डी फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल बी जी डी, ठीक है. तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई बी जी, ठीक है. तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी जी साइन 45 डिग्री, ठीक है. तो बी जी इज इक्वल टू हमारा 0.75 था, 0.75 इंटू 1/√2, ठीक है, 0.75 इंटू 1/√2. तो ये वैल्यू आएगा दैट इज 0.53, ठीक है. तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम 0.53 मीटर. तो ये यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते 3 - 0.53 मीटर, ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये वैल्यू आएगा 2.47 मीटर, ठीक है, 2.47 मीटर. अब यहाँ पे हमको एच बार मिल गया है, एरिया पता है, एच बार मिल गया, तो हम डायरेक्टली एफ इजिकल टू निकाल सकते हैं, डैट इज एफ इजिकल टू रो जी ए एच बार, ठीक है, रो जी ए एच बार. तो रो कितना होगा, 1000 होगा, चूँकि वाटर का केस है, इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है हमने 7.5 इंटू एच बार, तो एच बार 2.47. तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1.81705.964 न्यूटन, ठीक है. तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना. अब हमको फाइंड करना है यहाँ से एच स्टार इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि अगर हमने एच स्टार ये मतलब ये तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो
अगर हमने एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये एच स्टार होगा, ठीक है, ये वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा कुछ काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि और अगर ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो फिर साइन थीटा बीटा लगा के मतलब ये सारा वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एच स्टार फाइंड करते हैं। तो एच स्टार इज इक्वल टू हम जानते हैं कि एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा, एच बार आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एच बार, ये होता था वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई जी हम फाइंड करेंगे, तो आई जी इज इक्वल टू हमारा आएगा दैट इज बी डी क्यू बाई 12। तो आई जी इज इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12। तो बी कितना है हमारा 5 है और डी है 1.5, इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5 का क्यू डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.406 मीटर फोर। ये आई जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सारे वैल्यू आप साइन स्क्वायर और थीटा था, ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आप पुट कर लो। तो एच बार की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी थी 2.47 मीटर, 2.47 प्लस आई जी दैट इज 1.406, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया कितना निकाला था हमने 7.5 इंटू एच बार फिर से 2.47। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करोगे इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो आप इसको, तो आएगा ये 2.47 प्लस 0.379, ठीक है, ये आएगा 0.379। आप इसको जोड़ दो, ठीक है, तो जोड़ने पे आएगा 2.379। टू पॉइंट फोर सेवन प्लस जी 0.379, टू पॉइंट फाइव जीरो एट, तो मतलब ये 0.037 था, ठीक है, तो ये 2.508 आएगा, ठीक है, मीटर, ये आपका वैल्यू आ गया एच स्टार का, ठीक है, दैट इज़ ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई 2.508 मीटर, ठीक है, 2.508 मीटर। तो अब हम यहाँ से ये वैल्यू जो ओपी वैल्यू है इजली फाइंड कर सकते हैं, अगर ये पता और ये एंगल 45 डिग्री तो ये ओपी वैल्यू हम इजली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, तो लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एच स्टार बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एच स्टार डिवाइडेड बाई ओपी, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा ये ट्रायंगल, तो अगर ये थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, ये मतलब ये इसका हाइट हो गया और ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं ये वैल्यू ओ पी इजिकल टू, तो एच स्टार ऑलरेडी हमारे पास है 2.508 इज इक्वल टू 2.508 डिवाइडेड बाई
साइन 45 डिग्री, दैट इज साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप डायरेक्टली 2 × 2.508 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओपी का वैल्यू आएगा 3.547 मीटर इज इक्वल टू 3.547 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ओपी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम कि ये हमको फाइंड करना है, चूँकि हिंज है, ठीक है, तो हमको फाइंड करना है एपी, ठीक है। अब ओपी पता है हमको, ओपी पता है, तो ओपी में से क्या करेंगे कि हमको एपी मिल जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपको यहाँ से यहाँ तक, दैट इज यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ तक दैट इज 0.75 मीटर है। तो मतलब अगर ये पीजी फाइंड कर लोगे और पीजी को 0.75 मीटर में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं ओ बी इजिकल टू, उसी तरह से जैसे यहाँ पे एच स्टार बाई साइन थीटा लिखा था, तो ये 3/sin 45 डिग्री आप कैलकुलेट करो जल्दी से, ये वैल्यू आएगा 4.243 मीटर, ठीक है, 4.243 मीटर आएगा। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, दैट इज ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, सॉरी ये वैल्यू हमने पी मान लिया था ना, इसको हम पी डैश कर देंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपने ये पी माना था, इसको पी डैश कर देना, क्योंकि पी मैंने दो जगह मान लिया, ठीक है, या फिर इसको कुछ भी और कर देना, आर मान लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो जगह पी कर दिया, वो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और वेरी फर्स्ट स्टेज में मैंने किया था यहाँ पे पी, तो इसको पी की जगह पे पी डैश आप करके कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है, तो ओ पी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 3.547, ठीक है। ओ ए हमको नहीं पता है, ओ ए कितना है, ओ ए हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस ओ बी माइनस ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है, दैट इज़ ओ बी इतना है। अब इसमें से हम ये प्लेट का जो विड्थ डेप्थ था 1.5 मीटर घटा देंगे, तो हमको ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ ओ ए, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ए बी, ठीक है। ओ बी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है 4.243, और ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है कितना, सॉरी गिवेन है ए बी की वैल्यू, दैट इज 1.5 मीटर। तो आप ये कैलकुलेट करके निकालो, 2.743 मीटर आना चाहिए, 2.743 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा ओ ए का आ गया। तो अब ओ पी माइनस ओ ए करेंगे, ओ पी ऑलरेडी कितना है 3.547 माइनस ओ ए 2.743 इज इक्वल टू ए पी का वैल्यू कितना आ गया, 0.804 मीटर। अब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ए पी निकल गया, ए पी मतलब यहाँ से इस हिंज से ये पॉइंट निकल गया और ये पॉइंट निकल गया। तो अब यहाँ टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज ए लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज ए, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है पी, एफ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो एफ इंटू ओ पी करेंगे, सॉरी एफ इंटू ए पी करेंगे, और ये पी इंटू ए बी करेंगे। तो लिखेंगे पी इंटू ए बी इज इक्वल टू पी इंटू ये फोर्स इधर खींचना है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इक्वल होगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो पी इंटू ए बी इज इक्वल टू एफ इंटू ए पी, एफ इंटू ए पी, ठीक है। पी इंटू ए बी इज इक्वल टू एफ इंटू ए पी। तो यहाँ पे पी का वैल्यू हमको फाइंड करना, तो पी इज इक्वल टू
एफ इंटू ए पी बाई ए बी, एफ इंटू ए पी बाई ए बी। एफ का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा था, कितना था आप लिखोगे, और दैट इज 18170 5.964 इंटू ए पी का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.804 और ये वैल्यू है 1.5 मीटर। ठीक है, आप कैलकुलेट करो, ये आपका पी का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना न्यूटन का हमको फोर्स चाहिए, दैट इज 97.394 किलो न्यूटन आएगा, 97.394 किलो न्यूटन ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब इतना फोर्स चाहिए इस गेट को खोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या कि बेसिकली हमने फोर्स निकाला, फिर ये डिस्टेंस निकाला ए पी। ठीक है, उसके लिए कुछ ज्योमेट्री का रूल हमने लगाया, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री कंबाइंड करके, और ये ए पी का वैल्यू निकाला। और यहाँ के बाद हमने क्या किया कि चूंकि दो पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हिंज पॉइंट एक ही है, तो क्या होगा कि मोमेंट अबाउट दिस इज इक्वल टू जीरो होगा, मोमेंट अबाउट हिंज इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर मोमेंट ऑफ दिस पी इंटू ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफ इंटू ए पी होगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट करके और ये वैल्यू निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अगर एग्जामिनर का मन किया कि थोड़ा सा इसी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर को ही थोड़ा सा घुमा के दूँ, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें नथिंग बट आपके ज्योमेट्री की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये आप बेसिक रूल जानते हो। ठीक है, मोमेंट निकालने का बेसिक रूल जानते हो, तो आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स इसमें यूज़ हुआ, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ हुआ, और थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ये हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन था, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपका केस है सिलेबस में आपके दे रखा है कि वर्टिकल वाल पे कितना प्रेशर लगाएगा अगर दो लिक्विड हो तो। ठीक है, उस केस में मैं दो लिक्विड वाला करा दूंगा, तो आप सिंगल लिक्विड वाला कर लोगे, प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैंक कॉन्टेंस वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, तो एक टैंक है, सबसे पहले एक टैंक बनाते हैं, ये हमारा एक टैंक है, इसमें 0.5 मीटर तक वाटर लग है, ये 0.5 मीटर तक वाटर है, इसके एक मीटर तक एक दूसरा फ्लूड है जो कि जिसकी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट 0.8 है। तो ये हाइट इसका 0.5 है यहाँ से, और ये हाइट इसका 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये जो साइड वॉल है, ये साइड वॉल पे कितना टोटल प्रेशर लगेगा। ठीक है, टोटल प्रेशर इस साइड वॉल पे कितना होगा, और दूसरा केस क्या कह रहा है कि जो सेंटर प्रेशर होगा वो इस वॉल पे कहाँ लगेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने एक मतलब चीज़ पढ़ा था प्रेशर डायग्राम, उसमें वर्टिकल के केस में मैंने क्या बताया था, जब कोई वर्टिकल प्रेशर डायग्राम मैंने बताया था, तो उसके केस में क्या बताया था कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा मतलब अगर कोई वॉल वर्टिकल हो तो प्रेशर ऐसे वैरी करता है। ठीक है, लीनियरली एक एंगल पे वैरी करेगा। तो माल यहाँ पे अगर ये है, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ वैरी करेगा, तो इसकी ग्रेविटी कम है और फिर इसकी ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्लैंट होगा। तो इस तरह का मतलब एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल को हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी और डी ई। ठीक है, तो अब ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो मैंने बताया था डब्ल्यू एच वन, यहाँ पर बताया था डब्ल्यू एच वन, तो डब्ल्यू एच वन दैट एच वन इज इक्वल टू क्या है, अगर ये हाइट हमने एच वन माना और ये हाइट एच टू माना। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच वन लगेगा और ये डब्ल्यू एच टू लगेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू एच टू लगेगा, तो देखते हैं, सॉरी ये जो लगेगा यहाँ पे डब्ल्यू एच वन प्लस डब्ल्यू एच टू, चूँकि दो लिक्विड है दोनों का प्रेशर यहाँ पे मिला के लगेगा, तो डब्ल्यू एच वन प्लस डब्ल्यू एच टू, और ये डब्ल्यू एच टू लगेगा, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है तो स्पेसिफिक वेट है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रेशर इस प्रेशर डायग्राम का अगर हम एरिया निकाल देते हैं, इस प्रेशर डायग्राम का अगर हम एरिया निकाल देते तो मैंने बताया था कि जो एरिया होगा वही टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। ये मैंने जब मैं आप प्रेशर डायग्राम बता रहा था तो बताया था कि जो एरिया होगा वही प्रेशर टोटल प्रेशर होगा, और इसका जो सेंटर मतलब सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही मतलब इसका ये होगा, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। तो इसको हम बाय पार्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन गिवन H1 इजकल टू 1 मीटर, H2 इजकल टू 0.5 मीटर, ठीक है। तो H1 और H2 मैंने माना था, जिसको लिख लिया मैंने H1। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहला दे रखा है, दैट इज S1 इजकल टू 0.8 है, तो रो 1 कितना होगा, रो 1 इजकल टू 0.8 गुने 1000 इजकल टू 800, ठीक है। तो ये हमारा रो 1 हो जाएगा। अब मैं अगर टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे तो ये तो जीरो होगा यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वर्टिसेस है, तो यहाँ ए पॉइंट पे कितना होगा टोटल प्रेशर, तो जीरो होगा। तो लिखेंगे टोटल, ऐसे ही पॉइंट वाइज करते जाएंगे, ए पे, डी पे, बी पे, ये तीनों पॉइंट पे एक एक करके हम निकाल लेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे टोटल प्रेशर एट पॉइंट डी, ठीक है, इज इक्वल टू पी डी लिखेंगे, पी डी टोटल प्रेशर यहाँ पे पी डी होगा, और ये पी डी कितना होगा, तो रो 1 जी एच 1 होगा, ठीक है। ये और जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, मैंने बताया था कि जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वही प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि हमारा पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि सारे डायरेक्शन में किसी भी स्टैटिक फ्लूड में किसी पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रेशर सेम होते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो यहाँ पे जो नीचे प्रेशर लगेगा, यहाँ पे नीचे जो वही प्रेशर इस साइड वॉल पे लगेगा, तो P इजिकल टू रो 1 जी एच 1 होगा, ठीक है। तो रो 1 इजिकल टू 800 इंटू 9.81 इंटू 1, तो ये होगा, ठीक है, ये प्रेशर होगा। अगर इसको मतलब अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो टोटल प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है कि फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं प्रेशर निकालता हूँ, तो रो 1 जी एच 1 ये प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर नहीं, प्रेशर इंटेंसिटी लिखना होगा, सॉरी, टोटल प्रेशर तो एक्चुअली फोर्स होता है, मैं प्रेशर इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, इंटेंसिटी, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी एट, तो पी डी, तो इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा, दैट इज 7848 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब डी ई की वैल्यू जो होगी, ये एक्चुअली क्या होता था, तो ये हम डब्ल्यू जी लिखते थे, यानी रो जी एच लिखते थे, ठीक है, याद है, और रो जी एच मैंने प्रेशर डायग्राम में बताया था, तो ये और डब्ल्यू जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये डी ई का वैल्यू इतना हो जाएगा 7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी बी, और निकालेंगे तो रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिक्विड का प्रेशर ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना होगा रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 1, तो रो 1 जी एच 1 का ऑलरेडी वैल्यू हमने लिखा है 7848, ठीक है, प्लस रो 2 इज इक्वल टू 1000 होगा, क्योंकि ये वाटर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे S इजिकल टू दे रखा है 0.8, ये कोई ऑयल मान लेते हैं, ठीक है, तो 1000 होगा इंटू 9.81 करेंगे, ठीक है, इंटू 9.81 करेंगे, और उसके बाद ये H2 कितना है, तो 0.5, ठीक है, H2 इजिकल टू 0.5, तो ये वैल्यू आएगा जो 7848 प्लस 4905, तो इज इक्वल टू, ये टोटल आ जाएगा 12753,
753 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इसको हमने ऐसे कर दिया और इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा ये 7848 के बराबर होगा। ये जो वैल्यू होगा ये 7848 होगा और ये भी 7848 होगा और ये 4905 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 49 मतलब इस तरह से, और ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा तो 12753। ये वो हमारा है प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम, ठीक है, ये हमारा प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है। तो F1 और इस पर जो फोर्स लगेगा इस पर, यहाँ पे ये F3 लगेगा। तो तीनों मतलब यहाँ पे तीन टोटल आकृति और एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक और ट्रायंगल, तीन टोटल शेप्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये फोर्स F1 होगा तो ये हमेशा F1 कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ से h/3 या यहाँ से 2h/3 पे ये जो लगेगा। तो ये एक मीटर बेस और प्लस यहाँ से इसका मतलब 0.5 के आधा पे लगेगा ये F2, ये जो F2 लगेगा हमारा, इसको कलर चेंज करता हूँ मैं, जो हमारा F2 लगेगा वो इस पॉइंट पे कहीं लगेगा। और ये कितना पे होगा तो ये 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर पे, और ये F3 जो होगा ये फिर h/3 यहाँ से h/3 पे होगा, दैट इज 0.5/3 यहाँ से बॉटम से, या फिर ये 1 मीटर ऐड करेंगे और प्लस ये 2h/3 यानी 2×0.5/3 ये F3 लगेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमको मतलब इतना इतना पे ये प्रेशर लगेगा, जो कि ठीक है जी पे लगता है हमेशा प्रेशर सी जी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी h/3 पे आएगी, इसकी h/2 पे आएगी और इसकी फिर बॉटम से h/3 पे आएगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों का अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि फोर्स फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि ये एरिया निकाल देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और होगा, मैंने विड्थ वहाँ पे एक मीटर लिया था, याद होगा, वहाँ पे मैंने जो ये इसका विड्थ माना था 1 मीटर माना था, लेकिन यहाँ पे विड्थ ऑलरेडी इट इज़ गिवन, दैट इज विड्थ इज 2 मीटर। सो वहाँ पे 1 मीटर के लिए उतना आ रहा था, तो 2 मीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को, ठीक है। तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू, अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, तो लिखेंगे F1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है, ADE इनटू विड्थ। तो एरिया कितना है, तो ये है हाइट 1 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 7848। तो लिखेंगे 1 × AD × DE इंटू 2 मीटर वाइड, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा और AD × DE बचेगा, तो डैट इज़ AD का कितना है 1 और ये 7848। तो ये फोर्स हो जाएगा 7848, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो F2 आएगा, F2 इज इक्वल टू वो होगा एरिया ऑफ रिक्टेंगल। ये रिक्टेंगल कौन सा है, तो BDEF लिख सकते हैं, तो रिक्टेंगल BDEF
एफ इंटू टू करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इजिकल टू बी डी इंटू डी ई, ठीक है, बी डी इंटू डी ई। तो इजिकल टू यहाँ भी लिखेंगे बी डी इंटू डी डी ई इंटू टू, ये विड्थ टू, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू हमारा 0.5, बी डी का वैल्यू है 0.5 इंटू ये 7848 इंटू टू, तो ये 2 इंटू 0.5 फिर 1 हो जाएगा और फिर से ये 7848 हो जाएगा। तो ये हमारा F2 का वैल्यू ये न्यूटन में आएगा, ठीक है। और फिर F3 अगर निकालेंगे तो फिर से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है एफ ई सी, ठीक है, एफ ई सी, तो इज इक्वल टू हाफ गुने एफ ई, हाफ गुने एफ ई गुने एफ सी, ठीक है। तो इंटू विड्थ, इंटू विड्थ, तो विड्थ यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फिर से ये 2 और आधा कट जाएगा और ये 0.5 इंटू 4905 होगा। 4905 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी 4905 इंटू 0.5, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दैट इज 2.5 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, तो F1 F2 F3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा। तो इसलिए टोटल प्रेशर या फिर फोर्स जो बोले, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 या फिर टोटल प्रेशर एफ इज इक्वल टू, हम काउंट करें एफ इज इक्वल टू, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये 7848 प्लस 7848 प्लस ये 2452.5, तो ये तीनों को ऐड कर दिया हमने, कितना आया 18148.5 न्यूटन, ये हमारा टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर क्या हो गया कि हमारा तीनों का एरिया इंटू विड्थ कर दिया हमने, तो टोटल प्रेशर निकल गया। अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या करेंगे कि ये टोटल मतलब ये फोर्स है एफ, मान लेते ये फोर्स कहीं बीच में एफ लग रहा है, ठीक है, यहाँ से एच स्टार वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट लेंगे ये इस पॉइंट से, ठीक है, एफ इंटू एच स्टार, तो ये एफ वन इंटू इसका मोमेंट प्लस एफ टू इंटू इसका प्लस एफ थ्री इंटू इसका, ये तीनों अलग अलग आएगा। जैसे इसको मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये ट्रायंगल मान लेते हैं यहाँ से 2h/3 पे लगेगा, यानी 2×1/3 पे, ठीक है। ये जो होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस ये 0.5/2, तो ये जो वैल्यू होगा F2, ये F2 होगा और ये F1 होगा, ठीक है, ये F1 होगा, ये F2 होगा। तो F2 कितना पे लगेगा, तो F2 यहाँ से लगेगा 1 प्लस 0.5/2 मीटर पे F2 लगेगा, हाँ, क्योंकि ये रिक्टेंगल है तो इसका आधा हाइट पे यहाँ पे लगेगा सेंटर ऑफ प्रेशर। और फिर यहाँ पे ये लगेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है, 1, और यहाँ से यहाँ तक 2×0.5/3 यानी 2h/3 पे, तो ये हमारा F3 लगेगा, दैट इज F3। तो ये F1 इंटू H1, F2 इंटू H2, F3 इंटू H3 तीनों करेंगे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A। अब लिखेंगे हम टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट A। Taking moment
ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए, ठीक है। तो पहला लेंगे एफ इंटू एच स्टार जो, ठीक है, इक्वल टू एफ वन इंटू एच वन प्लस एच वन स्टार प्लस एफ टू इंटू एच टू स्टार प्लस एफ थ्री इंटू एच थ्री स्टार, ठीक है। तीनों का अलग अलग सेंटर ऑफ प्रेशर से हम ये एफ वन एफ टू एफ थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ कितना आया था हमारा 181 48.5 इंटू एच स्टार इज इक्वल टू एफ वन। तो हमारा एफ वन का वैल्यू कितना था 7848। तो 7848 इंटू एच वन स्टार, तो एच वन स्टार का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 2h/3, यानी और ये यहाँ से लगेगा एफ वन दैट इज 2h/3, ठीक है। ये पॉइंट ए था तो 2×1/3 यानी 2/3, ठीक है। तो 2/3 लिखेंगे इसको प्लस एफ टू, फिर एफ टू का वैल्यू भी यही आया था 7848, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 1+0.5/2 यानी कितना आएगा 2 और 2.5/2 यानी 1.25 होगा, 1.25 प्लस, ठीक है। अब यहाँ तीसरा वैल्यू हमारा कितना आया था तो 1+2 × 0.5 यानी 1/3, तो ये 4/3 होगा। तो ये एफ थ्री का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज 2452.5 इंटू ये कितना होगा 1+1/3 यानी 4/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एच स्टार आप इजली निकाल सकते हो, इन सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड करके और इससे डिवाइड करा दोगे तो एच स्टार का वैल्यू आएगा, दैट इज ये टोटल ऐड करोगे तो आएगा 5232 प्लस 9810 प्लस 9810 प्लस लास्ट का वैल्यू आएगा 3270 डिवाइडेड बाई ये फोर्स 18148.5, ठीक है। इज इक्वल टू इसको और आगे करोगे तो ये आएगा 183.12 डिवाइडेड बाई 18148.5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एच स्टार की वैल्यू निकल जाएगी जो कि होगी एच स्टार इज इक्वल टू 1.009 मीटर। तो इतना मीटर पे हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। टोटल प्रेशर ये होगा आंसर 18485 और ये एच स्टार का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक और मेथड होता है कि डायरेक्टली मैं एरिया निकाल लूँ, ठीक है। इतना तामझाम एफ वन एफ टू करके ये मैंने समझाने के लिए किया था, तो डायरेक्टली मैं एरिया निकालूँ और डायरेक्टली मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूँ, ठीक है। तो हमारा उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें मैं डायरेक्टली सारे चीज़ निकाल के दो टर्म में मतलब दो लाइन में इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको खूब शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।